विश्व स्तरीय सड़कें हों, आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो या बिजली पानी शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की बात, पिछले 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन ने देश को एक नई दिशा दी है। भारत की इस विकास यात्रा का लाभ उत्तराखंड को भी लगातार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव ही उत्तराखंड के विकास को अपनी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रखा है। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ, मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन धन्य हो जाता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। सर्वांगीण और समावेशी विकास की इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है आज का दिन, जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 17,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। दशकों से लंबित राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना अब साकार होने जा रही है। 5,747 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी पर निर्मित होने वाली इस परियोजना से उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राज्य को सिंचाई और पीने के लिए जल की आपूर्ति होगी। 300 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना से प्रति वर्ष 572 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जो उत्तराखंड राज्य की विद्युत क्षमता में और वृद्धि करेगी। कनेक्टिविटी को विस्तार देते हुए 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 85 किलोमीटर लंबी मुरादाबाद काशीपुर 4-लेन सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है। एशियन हाईवे से नेपाल तक की कनेक्टिविटी के उद्देश्य से 177 करोड़ रुपए की लागत से 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109D का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही 165 करोड़ रुपए की लागत से 3 अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण से कुमाऊं एवं तराई क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही किसानों और छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए भी आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से 133 मार्गों के डामरीकरण कार्य और 151 पुलों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे बाजार, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं लक्षित ग्रामीण आबादी की पहुंच में आ जाएंगी। राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए 500 करोड़ रुपए की लागत से उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र तथा पिथौरागढ़ में 455 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। इनके बनने से क्षेत्र और आसपास के लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस के लिए महंगे अस्पतालों में नहीं जाना होगा। हर घर को नल से जल योजना के अंतर्गत आज लगभग 1250 करोड़ रुपए की लागत की सभी 13 जिलों में 73 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे 1,33,000 ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। हरिद्वार और नैनीताल में 205 करोड़ रुपए की लागत से 24 घंटे पानी सप्लाई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में 199 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा नैनीताल में 78 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज प्लांट सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। सगंध कृषि और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उधम सिंह नगर में 101 करोड़ रुपए की लागत से एरोमा पार्क और प्लास्टिक पार्क का भी शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत काशीपुर तथा सितारगंज में कुल 171 करोड़ रुपए की लागत से 2400 से अधिक घरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी की लाइफलाइन 99 किलोमीटर लंबी 2500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की नगीना काशीपुर NH 74 सड़क चौड़ीकरण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण से अब उत्तराखंड में पर्यटन और उद्योग क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं किसानों और व्यापारियों के लिए मंडी और बाजार की दूरी कम होने से आर्थिक विकास की नई राहें खुलेंगी।
ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड NH 125 पर तीन अलग अलग स्थानों पर कुल 79 किलोमीटर लंबाई में सड़क चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया जा रहा है। इन मार्गों के बनने से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में अत्यधिक सुधार के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी ऑल वेदर रोड की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पिथौरागढ़ में 50 करोड़ रुपए की लागत से सुरिनगढ़ फेज 2 जल विद्युत परियोजना तथा नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत रामनगर में 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार, सुख समृद्धि के खुले नए द्वार।